एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर दो डायग्राम बनेंगे। रूल नंबर वन, टेलीस्कोप के अंदर जो ऑब्जेक्टिव वाला लेंस है वो बड़ा बनेगा और आईपीस वाला लेंस छोटा बनेगा। माइक्रोस्कोप से उल्टा है ये। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दो तरीके से आएंगे। पहला नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी, उसे बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। और दूसरा केस आएगा व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि इमेज कहां पर बनेगी, एट फाइनाइट डिस्टेंस, उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो न्यूमेरिकल पढ़ना पड़ेगा कि किसमें क्या करना है। तो रूल नंबर वन, अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है तो पहली बात ऑब्जेक्ट फाइनाइट पे होता ही नहीं है। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट कहां पर होता है, इन्फिनिटी पे, तो रेज आ रही है एट एन एंगल ऑफ एल्फा, तो ये मिलेंगी फोकल प्लेन पे। फोकल प्लेन का मतलब ये जो डिस्टेंस होगा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, एफ ओ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे मिलेंगी रेज। तो अब क्योंकि इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी तो आई पीस के लिए ये जो डिस्टेंस है वो क्या बनेगा, एफ ई बनेगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है अगर इसकी फोकल लेंथ पे पड़ा हुआ है तो ये इसे ऑब्जेक्ट मान के जब इमेज बनाएगा तो इमेज कहां पर बनेगी, एट इन्फिनिटी। तो आपको इतनी लाइंस ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिंपली यही लाइंस ड्रॉ करो, ये ऑब्जेक्ट है, एक रे सीधा ले जाओ एक सेंटर में से ऐसे, बस आप कुछ मत करो, दो लाइनें खींचो, डन आंसर। तो ज्यादा लाइंस खींचने की जरूरत ही नहीं है आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, इसका डायग्राम प्लीज एक बार बना के देख लो रफ में। तो ये डायग्राम क्लियर है यहां तक, बन जाएगा डायग्राम। ठीक है, तो इस डायग्राम में अब आपने क्या करना है, इसमें आपको इसकी मैग्निफिकेशन निकालनी है, टैन बीटा बाय टैन अल्फा। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा तो ये भी अल्फा, इमेज का एंगल क्या बीटा, तो टैन बीटा क्या होगा, ए डैश बी डैश बाई ए डैश सी डैश, ये टैन बीटा होगा। टैन अल्फा क्या होगा, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए डैश सी, तो ये रहा, इन्हें डिवाइड कर लो तो क्या बचेगा, ए डैश बी डैश कैंसिल, सी ए डैश बाई सी डैश ए डैश। अब सी ए डैश क्या है, सी ए डैश है एफ सी, बताया था ना अभी, सी ए डैश है सॉरी एफ ओ, और सी डैश ए डैश है एफ सी, तो क्या बनेगी मैग्निफिकेशन, एफ नॉट बाई माइनस एफ ए। ठीक, तो ये रिजल्ट है इसका। और नॉर्मल एडजस्टमेंट के अंदर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या है, एफ ओ प्लस एफ ई, एफ ओ प्लस एफ ई, ये लेंथ है।